नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम, आपका स्पेशल प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। भोजपुरी दंगल के इस प्रोग्राम में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम हर बार आप सभी को इंडस्ट्री की हलचल बताते हैं, कुछ अलग जानकारियां देते हैं, कई बार हम आप सभी को राजनीति की ओर खींच कर ले जाते हैं, तो कई बार खेल जगत और कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताते हैं जो आप सभी को प्रेरित करती हैं। और हम आज आप सभी लोगों के लिए जो खबर लेकर आए हैं, दरअसल में वो खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आप लोग को मैं बता दूं, कुछ समय पहले जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, एक ऐसे अभिनेता जिनके बारे में आप सभी को कोई भी इंट्रोडक्शन या परिचय देने की जरूरत नहीं है। उनकी फिल्में, उनके गानों ने सारी जानकारी, सारी बातें आप सभी लोगों के बीच में रख रखी है। हाल ही में शशिकांत, जो एक पत्रकार है शशिकांत सिंह, और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, इन दोनों के बीच की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि शायद उस वजह से दिनेश लाल यादव निरहुआ और शशिकांत दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। उसी के बाद फिर एक दौर आया जिसमें निरहुआ के बचाव में खेसारी लाल यादव ने अपना बयान दिया, जिसमें वो कहते नजर आए कि वो भोजपुरी के स्टार हैं, जिनका एक 40 सेकंड का सिर्फ वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खेसारी लाल यादव ये कहते नजर आए कि वो खुद पवन सिंह और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, ये निरहुआ, ये तीन वो स्टार हैं जिनके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री चलती है। इस वीडियो पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आए, अलग अलग स्टार ने बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी, यहां तक कि खेसारी के इस बयान पर गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित के साथ इनकी काफी ज्यादा नोकझोंक भी हुई, वो भी विवाद काफी बड़ा, काफी लंबा चला। लेकिन एक बार फिर से अब खेसारी लाल यादव के उस वीडियो क्लिप के ऊपर जब जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ से सवाल पूछा गया, तो वो किस कदर बचते नजर आए अपने भाई को सपोर्ट करने के साथ, बिल्कुल हम आपको यही जानकारी देने आए हैं। तो चलिए इन खास खबर पर, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कोई एक स्टार खुद को इतना बड़ा मानता है कि वो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार है, ये ना कहे कि इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है बल्कि इंडस्ट्री को वो काम दे रहा है, ऐसा कहना क्या सही होगा? क्या वाकई में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव या खेसारी या पवन सिंह इन तरीके की इनकी सोच है? बिल्कुल दोस्तों, चलिए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के यादव का दिया गया बयान, देखिए हमारी रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। आजकल भोजपुरी फिल्म जगत में अपनी बादशाहत को लेकर लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन रहा है। हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें वह कहते हुए नजर आए थे कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की वजह से चल रही है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस के बादशाह कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो कहा है वो आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठ सकता है। जी हां, निरहुआ की एक खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस दौरान के सभी लोग चलती गाड़ी पर सवार हुए हैं, पर उस गाड़ी को कोई एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग अपनी मेहनत से खींच रहे हैं, हम लोग तो सवारी बनकर इसे सजाने सवारने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी इंडस्ट्री अपने कुशल टेक्नीशियन की वजह से चलती है, जिसमें कुछ अलग कलाकार हैं, कुछ विभिन्न क्षेत्र के टेक्नीशियन हैं, तो कुछ मीडिया पर्सन हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं दर्शक, जो उनकी मेहनत का यही आंकलन करते हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक समुद्र है जिसमें हम कलाकार मात्र एक बूंद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा से नाजीर हुसैन साहब की सोच, विश्वनाथ शहबादी के पैसे और रामायण तिवारी के सहयोग से शुरू हुई भोजपुरी इंडस्ट्री एक विशाल बट परिप्रेक्ष्य बन गया है, जिसकी नींव महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, सुजीत कुमार जैसे महान हस्तियों ने अपने खून पसीने से सींचा है। जी हां, कालांतर में कुणाल सिंह, पद्मा खन्ना, कुमकुम साधना सिंह, राकेश पांडे और इनमें से कई ऐसे मजबूत लोग हैं जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया। आज के दौर की बात की जाए तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के मात्र पैर सीख गई है, तब
मोहन जी प्रसाद ने इस बंजर भूमि पर पानी डालकर इसे सींचने का प्रयास किया तो अजय सिन्हा ने खाद डालकर इस भूमि को उपजाऊ बना दिया। निरहुआ ने कहा कि आज के दौरान शुरुआत सैया हमार से हुई थी, जिसमें भोजपुरी को रवि किशन और दमदार अभिनेता दिया और उसके बाद ससुरा बड़े पैसे वाला ने तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री को मनोज तिवारी जैसे मेगा स्टार को जन्म दिया। आज हमारी इंडस्ट्री अगर गायकों की इंडस्ट्री कही जाती है तो उसका श्रेय ससुरा बड़ा पैसे वाला को ही जाता है। स्वर्गीय सुधाकर पांडे ने इसे सवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज के दौर के निर्माता निर्देशक काफी मेहनत कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। दुर्गा प्रसाद, मजरूमदार, अभय सिन्हा, सुजीत तिवारी, आलोक कुमार, राजकुमार पांडे, सतीश जैन, संतोष मिश्रा, असलम शेख, महेश पांडे, जगदीश शर्मा, प्रियांशु सिंह, अजंजय रघुनाथ, अमीर आफताब जैसे तमाम ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो इस दौर को और भी आगे लेकर इसका नाम रोशन कर रहे हैं, जिन्होंने अपना हर पल भोजपुरी फिल्मों के लिए समर्पित कर दिया है। मालिनी अवस्थी, कल्पना पटवारी, विनय बिहारी जैसे संगीत के साधनों के साथ साथ पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला कल्लू, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, इंदु सोनाली, प्रियंका सिंह, आलोक कुमार, मोहन राठौर जैसे सुर के साधनों के लिए अच्छा संगीत बनाने में मधुकर आनंद, ओम झा, घुंगरू, अशोक कुमार, दीप, धनंजय मिश्रा, राकेश, राजेश गुप्ता, शिशिर पांडे और राजेश रजनीश ने संगीत को नई ऊंचाई प्रदान की है। वहीं आज अगर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी अव्वल नंबर पर है तो उसका श्रेय उन्हीं को ही जाता है। प्यारे लाल कवि जी, आजाद सिंह, श्याम देहाती, पवन पांडे, सुमित चंद्रवंशी के कलम पे जादू है तो संतोष मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, लालजी यादव, वीरू ठाकुर के लिखे शब्द दर्शकों के दिलों पर उतर जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने 3 घंटे की फिल्म बनाने में काफ़ी लोगों का योगदान रहा है और निरहुआ सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे डायरेक्टर्स की भी बात की जिनमें उन्होंने 8 डायरेक्टर अंजनी तिवारी और नाजिर शेख जैसे बहुत ही मेहनती लोगों को बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वो बहुत ही खूबसूरत अपना योगदान देते हैं फिल्म को सफल बनाने में और उनका प्रचार प्रसार करने में सबसे अहम भूमिका रहती है। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म जगत में एक से बढ़कर एक प्रचारक हैं जिसमें उदय भगत, रजनीश सिन्हा, रामचंद्र यादव, संजय भूषण, अखिलेश और प्रशांत निशांत अपना दायित्व बखूबी से निभाते हैं और आज दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी दिखाई दे रही है और इसका श्रेय हर कंपनी को भी जाता है। जहाँ बात करें हम कलाकारों की तो इसकी लंबी सूची है। अगर आज के दौर यानी कि भोजपुरी के तीसरे चरण की बात करें तो रवि किशन, मनोज तिवारी ने नगमा, श्वेता तिवारी, रंभा भाग्यश्री, रिंकू घोष ने भोजपुरी का सितारा काफ़ी बुलंद किया। आज पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे चिंटू, यश मिश्रा, कल्लू मनोज टाइगर, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, ऋषभ कश्यप, गोलू, विक्रांत सिंह, आदित्य ओझा, अवधेश मिश्रा, सुनील, सुशील सिंह, संजय पांडे, देव सिंह, अयाज खान सहित काफ़ी कलाकार हैं। वहीं अभिनेत्री में रानी चटर्जी, स्मृति सिन्हा, स्वीटी छाबड़ा, अम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, मोनालिसा, सुभी शर्मा, मधु शर्मा, संभावना सेठ, रितु सिंह, रितु पांडे, पाकी हेगड़े, ग्लोरी जैसे दर्जनों खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा है जो इस इंडस्ट्री में आ चुकी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री को ये सब कुछ मिल पाया है। इस इंडस्ट्री की सफलता ही कही जाएगी कि आज बंगाली, नेपाली के साथ साथ दक्षिण भारत के टेक्नीशियन और कलाकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सैकड़ों नाम ऐसे हैं जिनके बिना फिल्म निर्माण अधूरी है। और इसके साथ देखा जाए तो निरहुआ ने, जी हाँ, बहुत ही ख़ास अंदाज के साथ, बहुत ही ख़ास बात के साथ, किसी बिना विवाद के उन्होंने अपना सारा बात सटीक तरीके से रखा है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ से जब खेसारी लाल यादव के ऊपर जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं उन पे जब जवाब मांगा गया तो क्या जवाब आया, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिरकार हमारे जो स्टार होते हैं, जो स्टार है दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो अपने भाई खेसारी लाल यादव जिन्हें वो अपना छोटा भाई मानते हैं और कई बार इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया भी है, तो उन्होंने अपने खेसारी लाल भाई के बचाव में किस तरह से बातों को मोल्ड किया वो आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए ज़रूर देखा और कहीं ना कहीं
देखा जाए तो जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ या खुद खेसारी लाल यादव या पवन सिंह ये नहीं सोचते कि इंडस्ट्री उनके वजह से चल रही है। हालांकि जो बाकी स्टार्स का प्यार है वो दर्शकों का प्यार इन तीनों स्टार्स के प्रति ज़्यादा होता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि इंडस्ट्री को कोई हीरो चला रहा है, किसी को इंडस्ट्री हीरो की वजह से नहीं चल रही। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ने जो बयान दिया है वो वाकई में सही है कि किसी फिल्म को बनाने में या किसी इंडस्ट्री को आगे ले जाने में कोई एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। बिल्कुल इसमें कई हजारों लोग होते हैं जब फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाते हैं, कई सौ लोग होते हैं जब कोई एक फिल्म को बनाते हैं। तो चाहे हम बात करें हीरो की, हीरोइन के, सिंगर के, एक्टर के, डायरेक्टर के या फिर कोरियोग्राफर के या छोटे से छोटे स्पॉट बॉय के, क्यों नहीं, हर कोई अपना अपना 100% देता है, हर कोई अपना अपना मेहनत लगाता है तो जाके एक सफल फिल्म या फिर एक सफल इंडस्ट्री बन पाती है। तो ये थी आज की हमारी खास प्रोग्राम में खास बातें दोस्तों, जो कि हमने आपके बीच शेयर की है और हमने कोशिश की कि आप सभी लोगों को जो इस तरह के विवाद पर बातें आती है उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर बताएं, ताकि किसी को अपने प्रति कोई गलत फहमी ना रहे। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम पे यहीं लगाते हैं विराम, आप सभी लोगों से लेते हैं इजाजत, लेकिन कल आपके सामने फिर से मैं कुछ नई खबरें नई जानकारियां लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।